लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिस पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर स्मृति ईरानी ने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का सम्मान पचा नहीं पा रही है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर रंजन चौधरी को पेश होने के लिए नोटिस भेजा। महिला आयोग ने अधीर रंजन चौधरी को 3 अगस्त को सुबह 11:30 बजे पेश होने के लिए कहा है। पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जौनपुर में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अखिलेश यादव सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि उनके शरीर में किसी दूसरे दल की आत्मा है। गांव देहात में झाड़ फूक होता है, उनका भी झाड़ फूक करवाना पड़ेगा, वो तभी ठीक होंगे। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी जो बोलवाएगी राजभर वही बोलेंगे। वहीं जीएसटी पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भोले बाबा पर अगर कोई दूध चढ़ाने जाएगा तो उसे भी जीएसटी देना पड़ेगा। बीजेपी ने जीएसटी लगाया, बीजेपी ने भोले बाबा के भक्तों को भी नहीं छोड़ा। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसे मॉडर्न खंडहर बना दिया गया है। आप जीएसटी देख लीजिए, दूध दही मक्खन और सब पे जीएसटी लगा दिया। आजादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने इस तरीके से जीएसटी लगाई है। कल को हम अगर सावन के महीने में भोलेनाथ भगवान पर अगर हम चढ़ाने जाएंगे दूध, तो दूध हो सकता वही हो जिस पे जीएसटी टैक्स सरकार ने वसूला हो। इसने हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे भोले भाले भोलेनाथ के जो हमारे पूजा करने वाले हैं श्रद्धालु, उन्हें भी नहीं छोड़ा, इन्होंने उन पे भी टैक्स वसूल लिया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने लुलु मॉल पर बोलते हुए कहा कि लुलु मॉल का मालिक आरएसएस का फंडरेजर है। मॉल का मालिक ही मॉल के अंदर नमाजी लाया था, विवाद भी उसी ने खड़ा किया। ये नाम बदला जाना चाहिए, लेकिन वो नाम नहीं बदलेगा क्योंकि वो कमा रहा है। शब्द ये नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैंने इस्तेमाल किया शब्द अरबी में पढ़ेंगे आप तो ये शब्द नहीं है। रखने वाला क्योंकि आरएसएस का फंडरेजर है, उसने माल बनाया है, नमाजी भी वही लाया था, विवाद भी उसने खड़ा किया, उसे इसका नाम बदलना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो नाम नहीं बदलेगा, वो कमा रहा है इस नाम से, वो अपने गरेबान में मुंह डाले और फिर वो जवाब दे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां वे हनुमानगढ़ी में दर्शन करने गए। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पश्चिम बंगाल में एसएससी घोटाले में आरोपी ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी को तत्काल प्रभाव से पद से बर्खास्त कर दिया गया है। इससे पहले पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक करीब 50 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है, जिसे ईडी ने बरामद कर लिया है। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर आपके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान हाथ में काला कपड़ा भी बांध रखा था। आजमगढ़ में
भ्रष्ट लेखपाल को घूस लेते समय एंटी करप्शन ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, निजामाबाद तहसील में तैनात लेखपाल अशोक कुमार उपाध्याय ने फरियादी से 5,000 रुपए की घूस की मांग की थी। इसी दौरान एंटी करप्शन ने रंगे हाथों उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला आजमगढ़ के ब्रह्मस्थान के पास का है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ISBT एयरपोर्ट एवं सहस्त्र धारा रोड पर संचालित 5 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने बस की सवारी भी की। आपको बता दें, पर्यावरण संरक्षण और आम जन के आवागमन के लिए बसें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में गैरसैंण नेशनल हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। पहाड़ के हिस्से गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 1 घंटे बंद रहा। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद कर्णप्रयाग गैरसैंण हाईवे खुला। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटते समय वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें। देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।